नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। कहीं ना कहीं बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के बारे में, इस वीडियो के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एमबीबीएस में आप दो तरह से बॉडी को स्टडी करेंगे, एक तो फिजियोलॉजिकल तरीके से और दूसरा एनाटॉमिकल तरीके से। एनाटॉमी में आप डाइसेक्ट बॉडी को डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, हर एक ऑर्गन्स को डाइसेक्ट करके देखेंगे और उसकी अच्छे से स्टडी करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो अगर हम बॉडी की बात करें तो आपको पता है कि हमारे शरीर में कॉमन ईयर आप जानते ही हैं, हेड जानते हैं, नेप ऑफ नेक्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, सोल्जर्स आपको पता है, स्कैपुला ये आपकी जो है बोन है, स्कैपुला, सोल्जर गिर्डिल जिसे बोलते हैं जहाँ पे होता है, सोल्जर ब्लेड जिसे कहते हैं, सोल्जर ब्लेड यहाँ पर है स्कैपुला में, अपर आर्म, एल्बो, लॉयंस, वेस्ट, फोर आर्म, नेटल क्लेफ्ट यहाँ पे दिया गया है और ग्लूटीनियल फोल्ड यहाँ पे दिया गया है, पॉप लिटियल फोसा यहाँ पे दिया गया है, काल्फ नीचे दिया गया है, हील नीचे दिया गया है, लेग और फुट। तो हम बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिनके बारे में नहीं जान पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे हर एक बॉडी पार्ट के बारे में, ठीक है। ये फिजियोलॉजी की वीडियो है और इसको कहीं ना कहीं सेकेंड क्लास से लेकर एमबीबीएस तक के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से हमारा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपका ही चैनल है, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आप जो भी समझिए, आप अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पहले रोकिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे भी आपको ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, आपके जो भी टॉपिक रहेंगे, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई वीडियो ना बनाऊँ, मैं क्वेरी पर वीडियो बनाऊँ। तो कहीं ना कहीं आज मुझे 8th स्टैंडर्ड के बच्चों ने बोला कि सर फिजियोलॉजी पर एक वीडियो हमारे लिए बनाइए, तो कहीं ना कहीं मैंने जो है इस पर वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी, फ्रंट व्यू ऑफ मेल फीमेल का अगर हम देखें तो आपको पता है फेस होता है, फेस में क्या क्या होता है, आई, नोज, माउथ, चिन, ये सब होता है, कॉमन है। वहीं थोरैक्स यानी चेस्ट की बात करेंगे तो और चेस्ट के नीचे एब्डोमिनल रीजन होता है, यहाँ की बात करेंगे, और यहाँ पर आर्मपिट की बात करेंगे जिसे एक्जिला कहते हैं फीमेल में। वहीं नेक की बात करेंगे फीमेल्स में, आगे कॉलर में ये क्लेविकल बोन होती है, कॉलर बोन भी कहते हैं इसको। सुपर स्टर्नल नोच होती है, ब्रेस्ट होते हैं फीमेल्स में, हम लोग बचपन में अपनी मॉम से ब्रेस्ट फीडिंग करते थे तभी माँ ने हमें पाला और हमें बड़ा किया। निपल्स, ये हमने सब आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर क्लास 8 के बच्चों को अच्छे से समझाया था। कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थी, अब हम यहाँ पे क्यूबिटल फोसा जो है यहाँ पे हमने देखा है, अम्बेलिकस नेवल जिसे कहते हैं, अम्बेलिकस होती है, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पर पीनस होता है, स्क्रोटम नीचे की तरफ दिया गया है, और कहीं ना कहीं टेस्टीज भी यहाँ पे आपको पता है, और नीचे वाले रीजन को हिप कहते हैं, और नीचे जो ये पैर हैं इसे हम थिक कहते हैं, और ये नी, और सबसे नीचे सिन, टोई आप जानते ही हैं, एन स्टीप आप जानते ही हैं, एंकल आपको पता है। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन हैं, प्यूडेंडा ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव रीजन को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेड के बारे में, तो हेड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, आज हम इस वीडियो में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हर एक बॉडी पार्ट को अलग अलग तरह से गहराई से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आज हम केवल और केवल बॉडी पार्ट को देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ क्राउन है ना, वर्टेक्स, फॉरहेड है, आई ब्रो है, आई लेस है, आई है, नोज है, चेक है, लिप्स हैं, माउथ हैं, चिन हैं, जो हैं, और थ्रोट, ईयर हैं। ये सारे के सारे आप मीनिंग देख लीजिए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका ये जो है एलएस काट के दिखाया गया है हेड का,
तो हेड के एलएस में आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है नाम दिए गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इनको बार बार ड्रॉ करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम लोग तैयारी करते हैं, जब भी हम मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है इनको लिखने की कोशिश भी करते हैं। तो आप इनको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डायग्राम को लिखेंगे उतना अच्छा आपको तैयार होगा, और बार बार लिखने से आपको नाम याद हो जाएंगे, जैसे कि स्कल है, पीनियल बॉडी है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिल रही है आपकी, है ना, सेरिबेलम है, पॉन्स है ना, मेड्यूला ऑब्लोगेटा है, फेरिंग्स हैं, इधर आपका सुपेरियर सैगिटल सिनस है, सेरिब्रम है, फ्रंटल सिनस है, स्फेनोइडल सिनस है, सुपेरियर कौन का है, मिडिल कौन का है, इन्फेरियर कौन का है, वेस्टिबुल्स है, मैग्जिला अपर जो है, हार्ड प्लेट है, सॉफ्ट प्लेट है, टंग है, इवुला है, मैंडिबल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, एपिग्लॉटिस है, ट्रेकिया, ऑइसोफेगस, यानी कि इतना सुंदर डायग्राम आपको HD व्यू दे रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, पहले तो यहाँ पे ले लीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पे आगे बढ़ा के पूरा स्क्रीनशॉट लेके और इसको अच्छे से बार बार इसको लिखने की कोशिश कीजिए, तो 100% आपके टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बाकी का कॉमन में आप जानते हैं फ्रंटल नोच इसे कहते हैं, ग्लोवेला इसे कहते हैं, अपर आईलिड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, आयरिस, पोपेल्स, तो यहाँ पे आयरिस आपको दिखाई दिया है, पोपेल्स आपको दिखाई दिया है जो ब्लैक कलर का है, स्क्लेरा आपको दिखाई दिया व्हाइट कलर का है, लोअर आईलिड आपको यहाँ पे देखने को मिला है, सुप्रा ऑर्बिटल नोच आपको देखने को मिले हैं, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन आपको देखने को मिले हैं, लेटरल एंगल ऑफ आई यहाँ पे देखने को मिला है, इन फ्रा ऑर्बिटल मार्जिन देखने को मिला है आपको, जाइगोमेटिक आर्च आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी ये सारे के सारे नाम जो है यहाँ पे भी आप एक तरह से स्क्रीनशॉट प्लीज लीजिए, मैं ये इधर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, और इसको जो है बार बार ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से, प्यारे विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई ये रटने का विषय नहीं है, आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे और बार बार इसको आप लिखना शुरू करेंगे और तब जाके आपकी बायो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम बॉडी ऑर्गन्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका एक तरह से डाइसेक्ट बॉडी आपको दिखाया गया है यहाँ पे, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले लैरिंग्स दिखाई दे रहा है आपको, बीच में हार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये लंग्स दिखाई दे रहा है ना, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, डायफ्राम आपको यहाँ अच्छे से दिखाया गया, लिवर आपको पूरी तरह से दिखाया गया, स्टमक यहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और इस तरह से ग्रेटर ओमेंटम यहाँ पे एक जो लेयर है वो आपको दिखाई गई है, वहीं पर आपको एंजियोग्राम ऑफ किडनी, किडनी का एंजियोग्राम आपको यहाँ देखने को मिला है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम्स हैं आपको यहाँ पे, डबल कॉन्ट्रास्ट एक्सरे ऑफ कॉलन यहाँ पे देखने को मिला है, अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ ट्विन्स इन यूटरस आपको यहाँ पे देखने को मिला है, सीटी स्कैन ऑफ थ्रो फीमेल चेस्ट यहाँ पे आपने देखा है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे व्यू जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना, कोई आपको अपना पेशेंट क्यों देगा, आपकी नॉलेज को देगा, सीधी सी बात है, हम अगर अपना पेशेंट आपके पास लेके आएंगे तो केवल आपकी नॉलेज के बेस पर आप वहाँ पे आपके पास अपना पेशेंट लेके आएंगे, तो आपको पूरा जी जान से तैयारी करनी है। मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि इनके स्क्रीनशॉट आप बार बार जो है ले लीजिए, और यहाँ पे भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए, इसको बनाने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करिए यहाँ पे हमारी बॉडी के, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेल है, पूरा पूरा सेल बहुत अच्छा है, 1 मिनट आप यहाँ सेल का यहाँ से देखो, डीएनए दिखाया गया है, डीएनए किस तरह से फोल्ड होता हुआ आपको सीधा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम की फोल्डिंग दिखाई गई है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सेल दिखाए गए हैं, है ना, तो ये बहुत ही अच्छा हमारे पास PDF है, ठीक है। मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज बहुत अच्छे से इसको तैयार करें, यहाँ पे देखो स्कल का आपको बोन दिखाया गया, आप चाहें तो इसके भी जो है स्क्रीनशॉट, एक पहले तो इधर का ले लीजिए फिर इधर का, दोनों साइड से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाना शुरू करिए। स्कल वगैरह के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, आप इनको तैयार कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए, अब यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ के ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे इस तरह से स्पाइन में भी आप पूरा सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लुम्बरल वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा, कोकाइली वर्टिब्रा, यहाँ पे आप सारे के सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, मसल्स भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो है मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में समझाते हुए वीडियो आपके पास एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपके बारे इस PDF में देख लीजिए कि आपको कितना कुछ मिल सकता है यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, है ना। और मुझे लगता है आपको इस पे गहराई से पढ़ना भी आपको चाहिए। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में मन लगा के पढ़िएगा। पैर का ये है, पूरा पैर का बोन दिखाया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे आई के बारे में दिखाया गया, यहाँ पे आई के बारे में आप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, थैंक यू।